हेलो गाइस, वेलकम टू स्मार्ट डिजो एकेडमी। और आज की हमारे टेस्ट सीरीज का टॉपिक है डायरेक्शंस, कोडिंग एंड डिकोडिंग डाइस। गाइस हियर आई वांट टू टेल यू आई विल कंप्लीट ऑल टॉपिक्स ऑफ सी सेट वन बाय वन। गाइस डोंट मिस एनी लेक्चर बिकॉज इट मे बी हेल्पफुल फॉर यू, डेफिनेटली इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। गाइस आई वांट टू से यू शुड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज ऑफ योर शेयरिंग योर फ्रेंड विल बी बेनिफिटेड। लेट्स स्टार्ट डायरेक्शन, कोडिंग एंड डिकोडिंग डाइस। देखिएगा पहला क्वेश्चन है हमारा, ये सी सेट 2017 में आया है। अब इसको पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। पहले पढ़ते हैं इसको। ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच आर स्टैंडिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। बी इज नॉट नेबर ऑफ जी। एफ इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ जी एंड नेबर ऑफ ई। जी इज नॉट एट द एक्सट्रीम एंड। ए इज सिक्स्थ टू द लेफ्ट ऑफ ई। एच इज सिक्स्थ टू द राइट ऑफ सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ द अबो। पहला ऑप्शन है C is to the immediate left of A, D is immediate neighbor of B and F, G is to immediate right of D, A and E are at the extreme end। देखिएगा ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब इसको समझते हैं। हम इसका एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, उस ग्राफ से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ग्राफ से हम जब ड्रॉ करेंगे तो ये इजी हो जाएगा हमारे लिए। मैं अब यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। ये देखिएगा इस मैंने ये एक फिगर बना ली है, अब इसको फिल करना है। देखिएगा इसने कहा कि ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच ये सब नॉर्थ की ओर देख रहे हैं, यानी कि इधर साइड में देख रहे हैं। और देखिएगा इसने कहा बी इज नॉट नेबर ऑफ जी, यानी कि जी के बगल में बी कभी नहीं रहेगा। एफ इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ जी एंड नेबर ऑफ ई, ये दिया है। फिर G इज नॉट अ एक्सट्रीम एंड, यानी कि G यहाँ पर नहीं हो सकता, यहाँ पर नहीं हो सकता, यहाँ पर नहीं हो सकता, इधर नहीं हो सकता, यहाँ पर, इस तरह से एंड पोजिशन पर G नहीं हो सकता। उसके बाद बोला है कि A इज सिक्स्थ टू द लेफ्ट ऑफ E, यानी कि E के लेफ्ट में A सिक्स्थ पोजिशन पे है। और H इज सिक्स्थ टू द राइट ऑफ C, C के राइट में H पोजिशन पे। देखिए हमें कन्फर्मेशन है कि हमारे पास ये दो इन्फॉर्मेशन है, इस दो इन्फॉर्मेशन के बेस पे ही हम इस क्वेश्चन को करेंगे, आगे फिल करेंगे बाकी के ये सब। देखिएगा इसने कहा E के लेफ्ट में सिक्स्थ पोजिशन पर। अब देखिएगा इसमें लिखा है कि A इज सिक्स्थ टू द लेफ्ट ऑफ ई। देखिएगा सपोज अगर हम यहाँ मान लेते कि E यहाँ पर है, तो सिक्स्थ पोजिशन पर A है इसके लेफ्ट में, 1 2 3 4 5 6 A यहाँ पर होगा। एक केस तो ये हो जाता है, एक केस हम इसको ये मान लेते हैं, दूसरा केस ये है और तीसरा केस ये है। ये देखिएगा एक पॉसिबिलिटी तो ये हो गई कि ई अगर यहाँ पर है तो सिक्स पोजीशन पर ये यहाँ पर होगा। अगर ई यहाँ पर हुआ तो ये सिक्स पोजीशन कहाँ पर होगी, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर होगा। अब देखिएगा तीसरा केस देखते हैं, अगर ई यहाँ पर हुआ, इस केस में अगर ई यहाँ पर है तब ए कहाँ पर होगा, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 ए यहाँ पर होगा। देखिएगा ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाती है, इस कंडीशन को ना यहाँ पर फुलफिल कर दिया। अब देखिएगा इसने कहा है कि एच इज सिक्स्थ टू द राइट ऑफ सी, सी के राइट में सिक्स पोजिशन पर एच है। देखिएगा अगर यहाँ पर सी यहाँ पर हुआ, देखिएगा यहाँ पर सी है, सी के राइट में सिक्स पोजिशन पर 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर एच होगा। अब ये देखिएगा ये पहला केस है। दूसरा केस सी अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ, ये देखिएगा सी अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ, इसके राइट में सिक्स पोजिशन देखते कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर हमारा एच है। अब देखिएगा ये सेकंड केस है। अब हम थर्ड केस में देखते हैं, देखिएगा मैंने सी यहाँ रखा है, अब यहाँ पर मैं सी यहाँ में मैंने सी यहाँ रखा है तो सिक्स पोजिशन है यहाँ पर ही। अब इस सेकंड केस में सी में यहाँ पर नहीं रख सकता क्योंकि यहाँ ऑलरेडी ए है। और अब फिर मैं आगे रखूँगा इसको, यहाँ पर पुट करूँगा इसको, सी मैंने सपोज सी यहाँ पर बैठा है तो ये सी के बाद राइट पोजिशन पे सिक्स पोजिशन कौन सी है, एच यहाँ पर है। अब देखिएगा थर्ड केस में मैं ये करता हूँ कि हमारा सी यहाँ पर है, इस केस में सी हमारा यहाँ है और सी से राइट सिक्स पोजिशन देखते हैं राइट में कहाँ पर है, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर एच ही इस प्लेस पर बैठा हुआ है। अब देखिएगा ये दोनों कंडीशन हमारी हमने फुलफिल कर दी यहाँ पर। अब देखिएगा इसमें लिखा है कि F इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ G एंड नेबर ऑफ E। देखिएगा E मेरा यहाँ पर है, E यहाँ पर है, E के नेबर में मेरा कौन सा है, F। सपोज मैं F को यहाँ पर फिल कर देता हूँ, मैंने F यहाँ पर फिल किया है। अब देखिएगा इसने कहा है कि इमीजिएट राइट ऑफ जी, देखिएगा अगर मेरा जी यहाँ पर है, मैं यहाँ पर जी नहीं फिल कर सकता क्योंकि यहाँ पर ये प्लेस ऑलरेडी एच द्वारा ऑक्यूपाई कर रखा है, तो यहाँ पर जी मैं यहाँ फिल नहीं कर सकता। और जी के, देखिएगा इसने कहा इमीजिएट राइट ऑफ जी,
जी के इमीजिएट राइट एफ है तो ये कंडीशन तो हो नहीं सकती। अब ये वाला केस तो हमारा नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर जी यहाँ पर होना चाहिए, जी को यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर जी ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर रखा है एच ने, तो यहाँ पर जी नहीं आ सकता। अब जी यहाँ पर नहीं आ सकता तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। अब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी कि एफ इज टू द इमीजिएट राइट ऑफ जी, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो तो ये केस तो नहीं हो सकता। अब देखिएगा हम आते हैं दूसरे केस पर। अब इसने कहा है कि देखिएगा इसने कहा है कि एफ इज नेबर ऑफ ई, सपोज मैं लिख लेता एफ यहाँ पर है, अब एफ यहाँ पर है, अब इसने कहा कि इमीजिएट राइट ऑफ जी, जी यहाँ पर होगा, जी का इमीजिएट राइट कौन सा है, एफ है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। अब देखिएगा अब आगे आते हैं, ये हमने फिल कर दिया यहाँ पर। अब इसने कहा है कि बी इज नॉट नेबर ऑफ जी, देखिएगा यहाँ पर ये प्लेस मेरा खाली बचा हुआ है और ये प्लेस खाली बचा हुआ है और सब यहाँ पर ये ऑक्यूपाइड कर लिया है सभी ने। अब देखिएगा इसने कहा कि बी इज नॉट नेबर ऑफ जी, देखिएगा यहाँ पर बी तो नहीं आ सकता क्योंकि इसने बोला है कि बी इज नॉट नेबर ऑफ जी, यहाँ तो बी नहीं आ सकता, तो बी यहाँ पर आएगा क्योंकि ये प्लेस भी अभी यहाँ पे खाली है। अब देखिएगा ये सब फिल हो गया, लास्ट में क्या बचा, अब देख लेते हैं यहाँ पर क्या बचा, ये सब फिल हो गया तो यहाँ बचा डी, तो यहाँ पर क्या हुआ आपका डी हुआ। अब देखिएगा ये सब मैंने फिल कर ली है, ये पोजीशन सारी, ये पोजीशन मैंने सब फिल कर ली है। अब देखिएगा अब हम इस पर आते हैं, यहाँ पर बोला गया है कि एफ इज नेबर ऑफ ई, तो एफ यहाँ पर होगा, एफ यहाँ पर होगा। अब इसने कहा कि एफ इज इमीजिएट राइट ऑफ जी, इमीजिएट राइट है तो यहाँ पर जी होगा। अब देखिएगा ये प्लेस बचा है और ये प्लेस बचा है, इसने कहा है कि बी इज नॉट नेबर ऑफ जी, तो बी यहाँ पर नहीं आ सकता है, यहाँ पर बी नहीं आ सकता है। अब देखिएगा तो बी कहाँ आएगा, बी यहाँ पर आएगा। अब बचा क्या है हमारा, डी बचा है तो डी यहाँ पर आ जाएगा। देखिएगा ये दोनों केस हो गए। अब देखिएगा हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं अब कौन सा हमारा आंसर सही है। देखिएगा सी इज टू द इमीजिएट लेफ्ट ऑफ ए, देखिएगा ए यहाँ पर है, ए के लेफ्ट में इमीजिएट क्या है, सी नहीं, क्योंकि ये देखिएगा इसका ए का लेफ्ट ये है और ए का राइट ये है, तो अगर ये बोलता सी इज द इमीजिएट राइट ऑफ ए तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाता, तो ये ऑप्शन भी गलत है हमारा। अब देखिएगा नेक्स्ट देखते हैं, डी इज इमीजिएट नेबर ऑफ बी, डी इज इमीजिएट नेबर ऑफ बी, ये भी नहीं हो सकता। अब देखिएगा इसमें भी नहीं है, डी इज इमीजिएट नेबर ऑफ बी, इसमें भी नहीं, ये भी नहीं है। आप नेक्स्ट देखते हैं, जी इज टू द इमीजिएट राइट ऑफ डी, देखिएगा जी इमीजिएट राइट ऑफ डी, क्योंकि डी का लेफ्ट ये है और डी का राइट ये है, तो डी के इमीजिएट राइट में क्या है, जी है। अब देखिएगा डी के इमीजिएट राइट में, डी के इमीजिएट राइट में क्या है, जी है, दोनों का ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ये हो सकता है कि ये आंसर हमारा सही हो क्योंकि हमें एक ऑप्शन और चेक करना है। इसने कहा है कि ए एंड डी आर एट द एक्सट्रीम एंड, ए देखिएगा यहाँ पर एक्सट्रीम एंड पर क्या है, बी और एच है, ए और बी है, तो ये तो नहीं हो सकता, तो हमारा आंसर क्या हुआ, सी है। देखिएगा इस तरह के क्वेश्चन ये है, प्रैक्टिस आपको जितनी होगी उतनी जल्दी ये क्वेश्चन होगा, और मुझे टाइम केवल इसलिए लगता है क्योंकि मुझे आपको सारी चीज़ें बतानी होती है और क्योंकि मैं आपसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होता हूँ, क्योंकि आपको सपोज कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कुछ चीज़ समझ नहीं आती तो आप कब किससे पूछेंगे, तो इसलिए मुझे जो है सारी चीज़ें डिटेल में बतानी होती है। आप इसके प्रैक्टिस करेंगे तो आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर लेंगे इसको। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, ये है इन अ सर्टेन कोड 256 मींस रेड कलर चाक, 589 मींस ग्रीन कलर फ्लावर एंड 254 मींस व्हाइट कलर चाक, द डिजिट इन द कोड दैट इंडिकेट व्हाइट, ये बोला गया है कि व्हाइट कौन से नंबर का होगा। इसको देखो मैं आपको समझाता, देखो इसको लिखते हैं 256, इसको लिखना है रेड कलर, ये देखिएगा मैंने लिखा है ये 256 है रेड कलर चाक, 589 क्या है ग्रीन कलर फ्लावर, 254 मींस व्हाइट, 254 मींस है व्हाइट कलर चाक। देखिएगा इसमें देखते हैं कि हमारा कॉमन नंबर कौन सा है, 555, ये सब में तीनों में कॉमन है। अब इसमें देख लेते कौन सा वर्ड कॉमन है, ये कलर है, इसमें कलर है, कलर है, तो 5 = मतलब हो गया कलर हो गया। अब देखिएगा ये हमने ये कट कर देते क्योंकि ये हमारा यहाँ पर ये इसके पता लग गया है कि 5 का मतलब क्या होगा, कलर हो गया। अब देखिएगा और देखते हैं कौन सा मैच करता है, 2624, इसमें 2 और 2 कॉमन है। अब इसमें देख लेते हैं इसमें और इसमें कौन सा मैच कर रहा है, रेड चाक व्हाइट चाक, देखिएगा यहाँ पर चाक है और ये 2 है, ये 2 है, 2 मतलब हो गया हमारा चाक। अब देखिएगा अब इसमें क्या है, 6 मतलब रेड हुआ, अब 4 मतलब क्या हुआ, व्हाइट हुआ, 4 मतलब क्या हुआ हमारा,
वाइट हुआ, और हमें क्या निकालना था कि वाइट का क्या इंडिकेशन होगा, अर्थात 4 वाइट को इंडिकेशन करता है, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, बी हो गया। अब देख भी रहे कितना इजी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको 2.5 मार्क्स दे देगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको पढ़ते हैं। ए मैन इज फेसिंग वेस्ट, ही टर्न्स 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड देन अनदर 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन एंड देन 270 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। देखिएगा, ये हम डायरेक्शन बना लेते हैं, ये हमारा ईस्ट है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, और ये नॉर्थ है, और ये साउथ है। देखिएगा इसने क्या कहा कि वे इधर साइड में देखेगा, साउथ वेस्ट की साइड में देख रहा है। देखिएगा मैं इस तरह से बना लेता हूँ। देखिएगा अब यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए करता हूँ, वो मैंने केवल आपको डायरेक्शन बताई है कि कौन कौन सी डायरेक्शन होती है। देखिएगा सपोज कोई कैंडिडेट, कोई बंदा यहाँ पर खड़ा है, एक मैन है यहाँ पर खड़ा है, अब ये वेस्ट की ओर देख रहा है, वेस्ट की ओर देख रहा है। अब इसने कहा है ही टर्न्स 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज। देखिएगा अगर हम इस तरह से मूव करते हैं तो ये क्लॉकवाइज होता है, और इस तरह से मूव करते हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज होता है। इसको ध्यान रखना है आपको, घड़ी जिस तरह से मूव करती है, घड़ी जिस डायरेक्शन में मूव करती है तो वो क्लॉकवाइज होता है, और घड़ी की सुइयां अगर अपोजिट साइड में मूव करने लगे तो वो हमारा हो जाता है एंटी क्लॉकवाइज। तो हमें पहली कंडीशन क्या दी है कि वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, और वो भी 45 डिग्री में, सब इधर देख रहा है, तो ये क्या है 45 डिग्री में क्लॉकवाइज मूव कर देता है। तो 45 डिग्री क्या हो जाएगा, ये देखिएगा ये क्या हो गया हमारा 45 डिग्री हो गया। अब देखिएगा वो इधर साइड में देख रहा है, अब उसने कहा है कि 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि वो 180 डिग्री क्लॉकवाइज, 180 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब हो गया ये। देखिएगा मैं 180 बनाऊंगा तो ये बनेगा, तो ये पूरा इस तरह से हो जाएगा, ये पूरा कितना हुआ एंगल, ये पूरा 180 डिग्री का हुआ है, 180 डिग्री का हुआ है। अब देखिएगा वो पहले इधर देख रहा था, अब वह कैंडिडेट इधर देखेगा पूरा, यानी कि 180 डिग्री हुआ। अब देखिएगा उसने कहा है कि इसके बाद जब वो इधर देख रहा है, उसने बाद बोला है 270 डिग्री इन द क्लॉकवाइज। देखिएगा यहाँ पर देख रहा है, इसने कहा एंटी क्लॉकवाइज, अब ये पहले तो क्लॉकवाइज ऐसे मूव कर रहा था, ऐसे मूव कर रहा था, अब उसको करना है ऐसे मूव करना है, ये एंटी, ये क्लॉकवाइज हुआ और ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ। अब देखिएगा अगर वो एंटी क्लॉकवाइज करता है 180, तो यहाँ पर पहुँच जाता है। अब देखिएगा 180 प्लस 90 क्या होता है हमारा, ये 270 हो जाता है, ये हमारा 270 हो जाता है। देखिएगा अगर ये एंटी क्लॉकवाइज 180 मूव करता है तो ये सेम पहली पोजीशन पर आ जाता है। अब देखिएगा इसको क्या करना है, 90 डिग्री और मूव करना है, 90 डिग्री, ये देखिएगा ये यहाँ है, तो 90 डिग्री क्या बनेगा आपका, ये बन जाएगा 180 ये है और 90 ये है, तो कितना हो जाता है हमारा पूरा इस पोजिशन पर, यहाँ पर ये टोटल 270 शो करता है, 270 डिग्री शो करेगा। अब देखिएगा ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये साउथ है, तो अब फाइनल अगर बात करें तो वो किस डायरेक्शन में देख रहा है, फाइनली वो डायरेक्शन देख रहा है साउथ वेस्ट वाली, तो कौन सा है हमारा आंसर, डी है। आप देख भी रहेंगे ये कितना इजी क्वेश्चन है, बस आपने मूव करा है कि कौन कब किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और किस एंगल पर मूव कर रहा है, तो आपका आंसर कौन सा है, अब साउथ वेस्ट, डी ऑप्शन है। देखिए आप देख भी रहे हैं कितना इजी क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, उसको समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसको पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। देखिएगा ए पर्सन एक्स वाज ड्राइविंग इन अ प्लेस वेयर ऑल रोड्स रन आइदर नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट फॉर्मिंग अ ग्रिड, रोड्स आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर फ्रॉम ईच अदर इन अ पैरेलल, ही स्टार्टेड एट द इंटरसेक्शन ऑफ 2 रोड्स, ड्रॉ 3 किलोमीटर नॉर्थ, 3 किलोमीटर वेस्ट एंड 4 किलोमीटर साउथ, विच फर्दर रूट कुड ब्रिंग हिम बैक टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट इफ द सेम रूट इज नॉट रिपीटेड। देखिएगा इसने बोला है कि रोड किस तरह से है, देखिएगा मैं इस तरह से लिख देता हूँ, वेस्ट नॉर्थ, ये हमारा नॉर्थ होता है, ये साउथ है। देखिए इसने कहा कि रोड किस तरह से है, नॉर्थ साउथ, ये नॉर्थ साउथ है इस तरह से है, और फिर कहा कि या फिर इस तरह ईस्ट वेस्ट है, ये इस तरह से है। अब देखिएगा अगर हम ग्रिड की बात करते हैं तो ये हमारी ग्रिड बनती है, इस तरह से ग्रिड बनती है। अब इसने कहा कि रोड्स आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर, देखिएगा हम मान लेते हैं, देखिएगा इसने बोला है कि रोड की जो बीच की डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर है, अगर एक रोड यहाँ पर है तो दूसरी रोड यहाँ है, और ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है आपकी 1 किलोमीटर, ये कितनी है 1 किलोमीटर डिस्टेंस दी है। देखिएगा अब क्वेश्चन पर आते हैं, ये आगे क्या बोला, ही स्टार्ट एट अ इंटरसेक्शन ऑफ द 2 रोड, देखिएगा ये क्या है, ये आपस में 2 रोड है और ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पर।
अब देखिएगा, इसने कहा है कि ड्रॉ 3 किलोमीटर नॉर्थ, ये जो है ये इंटरसेक्शन कर रही है, ये रोड 1 मान लेते हैं, इसको रोड 2 मान लेते हैं, और ये इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पर ओ पॉइंट पर। अब देखिएगा, ये यहाँ से ये पर्सन एक्स पर्सन यहाँ से स्टार्ट करता है और नॉर्थ में जाता है 3 किलोमीटर, ये नॉर्थ में 3 किलोमीटर गया है यहाँ पर। अब देखिएगा, इस पोजिशन पर आने के बाद फिर क्या करता है, 3 किलोमीटर वेस्ट में जाता है। देखिएगा, मैंने डायरेक्शन बताई थी, ये यहाँ पर आया तो वेस्ट कौन सा हुआ, ये इधर वेस्ट हुआ, ये 3 किलोमीटर है यहाँ पर। अब देखिएगा, इसने कहा कि 3 किलोमीटर वेस्ट हुआ, उसके बाद 4 किलोमीटर साउथ। देखिएगा, यहाँ तक अगर यहाँ की बात करें, ये यहाँ से यहाँ तक कितना, 3 किलोमीटर और 1 किलोमीटर यहाँ तक, तो टोटल कितना हुआ ये देखिएगा, ये कितना हो गया हमारा, ये 4 किलोमीटर है, ये 4th किलोमीटर साउथ में है। अब देखिएगा, इसने क्या बोला है, अगर बात करें तो ये कितना, ये 3 किलोमीटर और यहाँ से यहाँ तक का कितना 1 किलोमीटर हुआ। अब इसने बोला है, विच फर्दर रूट कुड ब्रिंग हिम बैक टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। देखिएगा, इसने कहा कि अब फाइनली ये कैंडिडेट यहाँ पहुँच गया, ये बंदा यहाँ पर पहुँचा है, अब इस बंदे को फाइनली इस पॉइंट पर आना है, क्योंकि ये ओरिजिनल पॉइंट था इसका, ये ओरिजिनल पॉइंट है। अगर इसको यहाँ पर आना, देखिएगा ये कैसे आ सकता है, ये डायरेक्ट यहाँ से आ जाए, तो ये क्या होगा, इस तरह का हमारा ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन हमारा है कि पहले वो ईस्ट या वेस्ट में गया है, नॉर्थ में गया है या साउथ में गया, इस तरह से है, और उसके बाद ये साउथ नॉर्थ वेस्ट इस तरह से गया है, तो हम यहाँ पर पाइथागोरस तो नहीं लगा सकते। हालांकि हम यहाँ पाइथागोरस भी लगाते, तो अगर ऑप्शन इस तरह का होता तो हम पाइथागोरस लगा देते। पाइथागोरस अगर यहाँ लगती, देखिएगा क्या होता है यहाँ पाइथागोरस में, ये अब अगर हम बात करें यहाँ से यहाँ तक की, ये 1 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर है, तो यहाँ पर पाइथागोरस लगा देते, लेकिन पाइथागोरस के अकॉर्डिंग आंसर यहाँ पर नहीं है, तो हम ये नहीं लगाएंगे। अब देखिएगा इसने क्या किया है, ये देखिए, एक तो केस होता है कि पाइथागोरस के थ्रू वो यहाँ पर पहुँच जाए, अब देखिएगा दूसरा केस होता है कि वो पहले यहाँ से यहाँ तक जाए और उसके बाद यहाँ पर जाए, तभी वो पहुँच जाएगा। अगर देखिएगा ये यहाँ पर है, अगर ये बंदा यहाँ पर पहुँचता है तो 3 किलोमीटर कवर करेगा। अब ये 3 किलोमीटर कहाँ जा रहा है, ये 3 किलोमीटर ईस्ट में जा रहा है, तो हमारा आंसर ये हो सकते हैं, ये हो सकता है या ये हो सकता है, क्योंकि 3 किलोमीटर ईस्ट है, ये तो कंफर्मेशन हो गया कि हमारा 3 किलोमीटर ईस्ट ही चलेगा। अब देखेगा ये कैंडिडेट बंदा यहाँ पर है, इसको जो है नॉर्थ में अगर ये 1 किलोमीटर चले, क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी है, ये 1 किलोमीटर है, क्यों है, क्योंकि जब ये बंदा 4 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक चल रहा है, और ये अगर बात करें यहाँ से यहाँ तक की, ये 3 किलोमीटर है, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, तो ये 3 किलोमीटर हुआ, तो ये कितना 1 बचा, अगर ये 1 है और ये इसके पैरेलल है तो ये भी 1 हुआ, तो ये कितना हमारा 1 हुआ। तो इस बंदे को, ये जो बंदा है यहाँ पर है, जब ये बंदा यहाँ से 3 किलोमीटर चला यहाँ पर पहुँचा, और यहाँ से अगर ये 1 किलोमीटर नॉर्थ में चलता है तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पहुँच जाता है। अब देखिएगा हमारे ये तो ठीक है, अब इसको क्या है 1 किलोमीटर नॉर्थ, और इसने क्या है 2 किलोमीटर साउथ, तो ये तो नहीं हो सकता है। अब इसने क्या है 1 किलोमीटर अगर ये नॉर्थ में पहुंचता है तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर पहुंच जाता है, तो हमारा आंसर क्या है बी है। देखिएगा कितना इजी क्वेश्चन है, और ये सी सेट 2016 में आया है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, और यही इतना इजी क्वेश्चन है आपको 2.5 मार्क्स दे देता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, उसको पढ़ेंगे समझेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। देखिएगा ये देखिएगा, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम पढ़ते हैं। ए पर्सन क्लाइम्स ए हिल इन अ स्ट्रेट पाथ फ्रॉम पॉइंट ओ ऑन द ग्राउंड इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड रीचेज एट अ पॉइंट ए आफ्टर ट्रेवलिंग डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर। देन फ्रॉम द पॉइंट ए ही मूव्स टू पॉइंट बी इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ वेस्ट, लेट द डिस्टेंस ऑफ ए बी बी 12 किलोमीटर। नाउ हाउ फार इज द पर्सन अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ए। देखिएगा अगर इस क्वेश्चन को हिट एंड ट्रायल से करना, क्योंकि हिट एंड ट्रायल 50-50% हो जाता है, सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, लेकिन अगर हम हिट एंड ट्रायल लगाते हैं तो देखिएगा ये 5 है, ये 12 है, तो 5-12 का एक हमारा ट्रिपलेट, मैंने आपकी कुछ प्रीवियस मेरे लेक्चर थे उनमें भी मैंने बताया कि अगर 5-5-12 इस तरह का कुछ डिजिट आती है तो पॉसिबिलिटी है कि आपका वैल्यू क्या हो सकती है, तीसरी 13 हो सकती है, तो यहाँ पर हमारा 13 है, तो 13 आंसर हो सकता है। देख ये क्या है 50-50 है, सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, ये उन लोगों के लिए हो सकता है जो लोग हमें बोलते हैं कि हमें मैथमेटिक्स नहीं आती है, तो वो इस क्वेश्चन को एक सेकंड में नहीं लगाएंगे, इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। मैंने बताया कि 5, 12 और 13 का एक ट्रिपलेट होता है, अगर 5, 12 है तो तीसरा नंबर क्या है 13 हो सकता है। अब तीसरा नंबर 13 है, उसे सोचने के लिए आपको 1 सेकंड भी नहीं लगाना होगा, तो आपका आंसर 13 हो सकता है, और ये 13 50-50 है, आपका सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। अब देखिएगा जिस लोगों को मैथमेटिक्स आती है तो वो इसको सॉल्व करेगा, तो उसका आंसर जो भी आएगा
और आपने जो इसमें लॉजिक लगाया है उसके अकॉर्डिंग, सपोज आपका आंसर 30 आता है और जिसने सॉल्व किया उसको 30 आता है, तो आपका देखिएगा अगर सॉल्व करने वाले को आंसर आता है 13 और वो लगाता है 5 सेकंड लगाता है और आपका आपको 1 सेकंड में 1 सेकंड से भी कम टाइम लगाते हैं, तो आपका आंसर सही हो जाता है। अब देखिएगा जिसने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है वो 5 सेकंड लगा रहा है और आपको 1 सेकंड में ही कर दे रहे हैं, तो आपको कम से कम 4 सेकंड सेव हो रहा है। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को करना है, कैसे करना है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिएगा पहले तो डायरेक्शन बना लेता हूँ, ये मैंने डायरेक्शन बनाई है। देखिएगा इसने कहा स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम अ पॉइंट ओ, सपोज मेरा एक पॉइंट मैप ये तो मैंने डायरेक्शन बनाते हैं, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। अब मैं इसका क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। देखिएगा ये मैंने आपको बताया ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अब देखिएगा ए पॉइंट यहाँ पर है, अब ये ओ पॉइंट है, ओरिजिनल पॉइंट मान सकते हैं आपको इसको, इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ। अब वो क्या करता है कि नॉर्थ ईस्ट में चलता है, ये क्या है हमारा ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है और ये साउथ है। अब ये क्या करता है नॉर्थ ईस्ट में चलता है, ये बंदा नॉर्थ ईस्ट में चलता है और कहाँ पर पहुँच जाता है ए पॉइंट पर पहुँचता है, ये बंदा यहाँ पर चला है और नॉर्थ ईस्ट में चला है और ये कितना चला है 5 किलोमीटर चला है और ये कितना है ए पॉइंट पर पहुंचा है। अब देखिएगा इसके बाद क्या कह रहा है, देन फ्रॉम द पॉइंट ए ही मूव्स टू द पॉइंट बी इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ वेस्ट। देखिएगा अगर हम बात करें इस पॉइंट की, सपोज मैं मान लेता हूं यहां पर ये मेरा पॉइंट यहां पर ए है। अब देखिएगा अगर हम बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट की, ये मेरा ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये साउथ है। देखिएगा इसने कहा कि ये देखिएगा ये लाइन देख लेते, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट का मतलब होता है ये बंदा इधर जाएगा, ये बंदा इधर जाएगा, ये कैंडिडेट इधर जाएगा, यानी कि ये किधर जाएगा इधर डायरेक्शन में जाएगा और ये इधर डायरेक्शन में जा रहा है, तो कितने किलोमीटर चल रहा है 12 किलोमीटर चल रहा है, क्योंकि ए बी क्या दे रखी है 12 किलोमीटर। देखिएगा ये जा रहा है बंदा इस तरह से, ये कितना पहुंचा है यहाँ पर बी पॉइंट पर पहुंच जाता है। अब देखिएगा इसने क्या कहा है, नाउ हाउ फार इज द पर्सन अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। देखिएगा ये फाइनली ये बंदा यहाँ पर बी पॉइंट पर पहुँचता है और ये कितना है 12 किलोमीटर है और ये 5 किलोमीटर है। अब फाइनली बंदा यहाँ पर पहुँचता है तो ये पूछा गया है कि ओरिजिनल पॉइंट से इस बंदे की डिस्टेंस क्या होगी। देखिएगा ये ओरिजिनल पॉइंट है, अब देखिएगा ये मूव करता है तो ये 90 डिग्री रहा होगा। अब मैं आपको देखिएगा ये 12 है, ये 5 है, तो यहाँ पर हम पाइथागोरस लगा देंगे। देखिएगा ये इस तरह से है, ये मेरा इस तरह से है, ये 12 है, ये 5 है, तो ये 13 होगा, ये पाइथागोरस थ्योरम मैंने लगाई। पाइथागोरस होती है हमारी 12² + 5² का रूट लेंगे तो ये वैल्यू आ जाती है हमारी 169, इसका रूट लेंगे तो 13 आएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। देखिएगा जो मैंने आपको हिट एंड ट्रायल में बताया वो भी आंसर सही है, लेकिन उस केस में हमारा 50-50 चांस होते हैं कि हमारा सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, और अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो हम श्योर हो जाते हैं, श्योरिटी हो जाती है हमारी कि हमारा आंसर सही होगा। तो हमारा आंसर क्या है, बी है, यहाँ हमने पाइथागोरस लगाई है, यहाँ पर ये 90 डिग्री मूव करेगा, ये 12 किलोमीटर चला है, ये 5 है, तो पाइथागोरस मैंने लगाई है, इसी को मैंने इस पूरी एक ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बनाया इसको मैंने यहाँ पर बना दिया है। अब आप जो है इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये 13 आएगा, तो ये फाइनल वैल्यू क्या होगी, ओ से बी तक की वैल्यू कितनी होगी 13 किलोमीटर हो गया, आंसर हमारा क्या हो गया बी हो गया। देखिए सी सेट 2016 में आया है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सी सेट में बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, बस अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको पढ़ते समझते फिर सॉल्व करेंगे। ए वन डे किरण लेफ्ट होम एंड साइकिल 10 किलोमीटर साउथवर्ड, टर्न राइट एंड साइकिल 5 किलोमीटर एंड टर्न राइट एंड साइकिल 10 किलोमीटर एंड टर्न लेफ्ट एंड साइकिल 10 किलोमीटर, हाउ मैनी किलोमीटर विल हैव टू साइकिल टू रीच हिज होम स्टेट। देखिएगा मैं पहले तो यहाँ पर आपको डायरेक्शन बता देता हूँ। देखिएगा ये मैंने डायरेक्शन बनाई है, ये ईस्ट हो गया, ये हमारा ईस्ट है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ईस्ट में लिख देता हूँ। देखिएगा इसने कहा है कि साउथ वर्ड में जा रहा है, देखिए इस तरह से अब मैं यहाँ पर बनाती, ये मैंने केवल डायरेक्शन आपको बताई है। अब देखिएगा इसने कहा है कि 10 किलोमीटर साउथ में जा रहा है, सपोज ये बंदा यहाँ पर है, किरण यहाँ पर है और ये 10 किलोमीटर साउथ में जा रहा है, ये 10 किलोमीटर हो गया। अब इसके बाद क्या बोला है, ये बंदा राइट में मूव करता है और 5 किलोमीटर चलता है। अगर देखिएगा राइट में मूव करता है तो ये किधर जाएगा, इधर साइड में जाएगा। देखिएगा ये राइट में जा रहा है, आप अपनी कॉपी पर जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप अपनी कॉपी को रोटेट करके आप देख सकते हैं कि ये लेफ्ट कौन सा होगा और राइट कौन सा होगा। देखिएगा अगर हम बात करें तो ये कहाँ जा रहा है, ये राइट में जा रहा है 5 किलोमीटर, राइट में 5 किलोमीटर जा रहा है, तो ये किधर जाए, ये देखिएगा ये 5 किलोमीटर हुआ,
यहाँ पर अब देखिएगा, इसने कहा कि टर्न राइट एंड साइकिल 10 किलोमीटर। अगर ये यहाँ पर देखेगा, अगर हम इसकी बात करें तो इसका यहाँ पर ये लेफ्ट हुआ और ये राइट हुआ, ये कितना जा रहा है 10 किलोमीटर जा रहा है। ये मैंने 10 किलोमीटर पहुँचा दिया है यहाँ पर, ये कितना है 10 किलोमीटर जा रहा है राइट में। अब इसके बाद क्या बोला इसने, ही टर्न लेफ्ट एंड साइकिल 10 किलोमीटर। देखिएगा जब ये बंदा यहाँ पर पहुँचता है तो इसका राइट ये है और इसका लेफ्ट ये है, ये लेफ्ट में कितना चल रहा है 10 किलोमीटर चल रहा है, तो ये मैं 10 किलोमीटर चला देता हूँ यहाँ पर। देखिएगा ये 10 किलोमीटर है। अब देखिएगा ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है तो ये भी 5 किलोमीटर होगी। अब देखिएगा ये इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है 15 किलोमीटर है, और यही पूछा गया है कि ये कितनी होगी, ये कितनी है 15 किलोमीटर है और ये डिस्टेंस पूछी गई है। इसने पूछा है देखिएगा, हाउ मैनी किलोमीटर विल ही हैव टू साइकिल टू रीच हिज होम स्ट्रेट। देखिएगा अगर स्ट्रेट की बात कर, देखिए इसने क्या किया, पहले इधर गया फिर इधर गया फिर इधर गया, अगर ये स्ट्रेट जाता है तो कितने किलोमीटर चला, स्ट्रेट जाता है 15 किलोमीटर चलेगा। आंसर हमारा बी है, आप देख भी रहे हैं कितना इजी क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, उसको पढ़ेंगे समझेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। देखिएगा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सी सेट 2016 में आया है। देखिएगा ए पर्सन वॉक्स 12 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ, देन 15 किलोमीटर ड्यू ईस्ट, आफ्टर दैट 19 किलोमीटर ड्यू वेस्ट एंड देन 15 किलोमीटर ड्यू साउथ, हाउ फार इज द फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। देखिएगा वही मैं डायरेक्शन बता देता हूँ, ये मैंने डायरेक्शन में ये ईस्ट हुआ, ये वेस्ट है और ये नॉर्थ है, ये साउथ है। इसने कहा है कि मैं यहाँ पर ये बना लेता हूँ पहले। देखिएगा इसने कहा कि 12 किलोमीटर ये जा रहा है तुम्हारा नॉर्थ में, 12 किलोमीटर नॉर्थ में जा रहा है, सपोज ये 12 किलोमीटर नॉर्थ में चला गया है यहाँ पर। अब इसके बाद ये क्या करता है, ईस्ट में जाता है। देखिएगा यहाँ पर पहुँचा तो इसका ईस्ट इधर होगा, ये कितना हो गया 12 किलोमीटर हुआ। अब ये ईस्ट में जा रहा है और कितना चल रहा है, ये सपोज मैं मान लेता हूँ ये कितना है 15 किलोमीटर हो गया है। अब देखिएगा इसने यहाँ पर ये आया है तो ये क्या किया है, ये साउथ वेस्ट में जा रहा है, ये वेस्ट में कितना जा रहा है 19 किलोमीटर। देखिएगा अगर ये वेस्ट में ऐसे जाएगा ये 15 तो ये कवर करेगा और आगे कितना चलेगा, ये 4 किलोमीटर चलेगा, ये 4 किलोमीटर यहाँ से, तो ये टोटल अगर बात करिए तो टोटल कितनी हो जाती है ये डिस्टेंस 19 किलोमीटर डिस्टेंस हो जाती है। अब देखिएगा ये बंदा यहाँ पर है, कैंडिडेट यहाँ पर है। अब इसके बाद इसने बोला है कि ये 15 किलोमीटर साउथ में जाता है। अगर 15 किलोमीटर की बात करें, देखिएगा ये मैंने 15 किलोमीटर के, देखिएगा ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी, यहाँ से तक की ये कितनी होगी 12 होगी, क्योंकि ये साउथ में कितना जा रहा है 15 जा रहा है, तो 12 ये हो गई और 3 ये हो गई, तो टोटल कितनी हो जाएगी ये यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो जाएगी ये। देखिएगा इसकी अगर बात करें तो ये 15 है, ये 15 है, ये 12 होगी, तो ये कितनी हो जाएगी हमारी 3 हो जाएगी। और ये लाइन है, अगर देखिएगा ये और ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, ये 4 है तो ये भी 4 रही होगी। अब देखिएगा फाइनली बंदा यहाँ पर है। अब इसने कहा कि ये बोला है कि हाउ फार इज द फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, पहले स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर था, अब बंदा यहाँ पर पहुँच गया है, उसने ये कहा कि इस बंदे से और ये ओरिजिनल पॉइंट की डिस्टेंस कितनी होगी। देखिएगा मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया था कि ये क्या कर सकता है, ये बंदा यहाँ पर जाएगा और यहाँ पर जाएगा। देखिएगा अगर ये बंदा यहाँ से चलता है, यहाँ पर पहुँचता है, फिर यहाँ पर पहुँचता है, तो ये निकल जाएगी एक तो डिस्टेंस कि कितनी होगी। अब देखिएगा इसने बोला है कि इस बंदे की यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, ये निकालना है। देखिएगा ये भी हमारी एक पाइथागोरस थ्योरम बन रही है। देखिएगा ये 90 डिग्री है, ये 4 है, ये 3 है, तो ये एक ट्रिपलेट बना है 3, 4, 5 का, ये ट्रिपलेट बना है तो ये क्या है 5 होगी। अब देखिएगा ये क्या किया है मैंने, ये पाइथागोरस थ्योरम लगाई है। देखिएगा 4 का स्क्वायर किया है, 3 का स्क्वायर किया है, ये रूट ले रहा हूँ मैं, ये कितनी आ जाती है 25 आ जाता है, 25 का रूट कितना होगा 5 हो जाएगा, तो आंसर क्या हमारा 5 किलोमीटर, आंसर हमारा ए है। आप देख भी रहे हैं कितना इजी क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, उसको समझेंगे पढ़ेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। देखिएगा ये क्वेश्चन है, ए चाइल्ड इज लुकिंग फॉर हिज फादर, ही वेंट 90 मीटर इन द ईस्ट बिफोर टर्निंग टू हिज राइट, ही वेंट 20 मीटर बिफोर टर्निंग टू हिज राइट अगेन टू लुक और हिज फादर एट हिज अंकल्स प्लेस 30 मीटर फ्रॉम दिस पॉइंट, हिज फादर वॉज नॉट देयर, फ्रॉम देयर ही वेंट 100 मीटर टू हिज नॉर्थ मीटिंग हिज फादर इन अ स्ट्रीट, हाउ फार डिड द सन मीट हिज फादर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। देखिएगा यहाँ पर मैं डायरेक्शन बता देता हूँ, इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले डायरेक्शन बना लेनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्शन बनाने से क्वेश्चन गलत नहीं होता है। ये ईस्ट है, ये यहाँ पर वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हुआ और ये साउथ हुआ। इसने कहा कि 90 किलोमीटर, पहले यहाँ पर मैं ये ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिएगा ये मैंने ड्रॉ किया है, इसने बोला है कि 90 किलोमीटर ये ईस्ट में जा रहा है। सपोज ये बंदा चाइल्ड यहाँ पर है और ये जाता है यहाँ से
यहाँ से यहाँ तक जाता है, तो ये 90 किलोमीटर है। अब देखिएगा ये यहाँ पर पहुँचा है, 90 किलोमीटर हो गया। उसके बाद इसने क्या किया है, बिफोर टर्निंग टू हिज राइट, यानी कि देखिएगा इसके यहाँ पर ये पहुँचा है, ये यहाँ पर पहुँचा है, तो इस यहाँ पर पहुँचने से पहले ये 90 किलोमीटर चल लेता है ईस्ट में। अब देखिएगा अगर इसकी बात करें तो ये कह रहा है कि इसके बाद ही वेंट 20 मीटर, यानी कि यहाँ पर ये पहुँचा है 90 मीटर होगा, उसके बाद ये राइट में मूव करता है। देखिएगा अगर इसकी बात करें तो ये इधर इसका लेफ्ट हो गया और इसका राइट हो गया, तो ये राइट में कितना चल रहा है 20 मीटर, ये राइट में कितना चला है ये 20 मीटर चला है। उसके बाद क्या किया इसने, ही वेंट 20 मीटर बिफोर टर्निंग टू द राइट। अब देखिएगा यहाँ पर भी ये राइट में मूव कर रहा है, ये यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर पहुँचा है, इसका अगर बात करें तो ये इसका राइट हुआ और ये इसका लेफ्ट हो गया। आप ये भी देख सकते हैं, अपनी नोटबुक को आप रोटेट करके भी देख सकते हैं। अब देखिएगा ये अगर बात करें, ये इसका राइट हुआ और ये इसका लेफ्ट हुआ। अब देख लेते हैं ये राइट में कितना चल रहा है। अब देखिएगा इसने आगे लाइन पढ़ते हैं, इसने क्या है, ही वेंट 20 मीटर बिफोर टर्निंग टू द राइट अगेन टू लुक और हिज फादर एट हिज अंकल्स प्लेस, यानी कि ये देखता है कि कहीं ऐसे तो नहीं कि मेरे फादर जो है अंकल के घर पर हो, अंकल के प्लेस पर हो। तो ये क्या करता है, 30 मीटर राइट में चलता है। ये देखिएगा 30 मीटर मैंने यहाँ राइट पहुँचा देता हूँ, ये 30 मीटर हुआ। अब इसके बाद क्या करता है देखिए, देख लेते हैं, हिज फादर वाज नॉट देयर, यानी कि इस प्लेस पर इसके फादर यहाँ पर नहीं है, तो ये क्या करता है, फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से ही वेंट टू हिज नॉर्थ, यानी कि जब देखिएगा ये इस प्लेस पर आया है। देखिएगा मैं यहाँ पर बताता हूँ, पहले ये 90 चला है, फिर 20 चला है राइट में आया, फिर यहाँ पर ये राइट में चला है, यहाँ आते इसके यहाँ पर इसके फादर यहाँ पर नहीं है, तब ये क्या करता है, ये नॉर्थ में जाता है और नॉर्थ में कितना चल रहा है ये 100 मीटर। देखिएगा ये है नॉर्थ में चला है 100 मीटर, तो ये कितना है, ये मैं मान लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक की कितना है 100 मीटर है ये। अब देखिएगा ये पॉइंट और ये पॉइंट कितना हुआ यहाँ से, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन आप इसमें पैरेलल है, तो ये कितना हुआ 20 हो गया। अब ये पॉइंट, ये फाइनली यहाँ पर इसके फादर है, तो ये फाइनली अपने फादर से मिल लेता है, मीट कर लेता है। अब इसने पूछा है, इसमें पूछा गया हाउ फार डिड द सन मीट हिज फादर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ये देखिएगा, देखिए ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये 20 हो जाएगा। अब देखिएगा ये लाइन और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो कितना 30 हो जाएगा। अब देखिएगा ये यहाँ से लेकर के यहाँ से 90 है, और ये यहाँ से लेकर यहाँ लेकर कितना है 30 है, तो ये कितना बचेगा, ये 60 बचेगा, ये यहाँ से यहाँ तक कितना 60 बचेगा। अब देखिएगा ये पूरा कितना है 100 था, अगर इसकी बात करें, इसने बोला ये टोटल 100 है, यहाँ पर दिया भी है ये टोटल 100 है। अब ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 20 है, तो ये कितना बचा, यहाँ से यहाँ तक की अगर बात करें ये कितना होगा हमारा 80 होगा। अब देखिएगा अगर बात करें यहाँ से यहाँ तक कितना है 80 है और ये कितना है 60 है, तो यहाँ पर बोला गया है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट से इसके फादर की डिस्टेंस क्या है, तो यहाँ पर हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। ये देखिएगा मैंने इसको मीट करा दे दिया, यहाँ से यहाँ तक क्या डिस्टेंस रही होगी, देखिए ये 60 है ये 80 है, तो यहाँ पर एक पाइथागोरस थ्योरम बन रही है। देखिएगा मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये पाइथागोरस थ्योरम बनी है, ये 80 है और ये 60 है, तो ये कितनी हो जाएगी वैल्यू, देखिएगा 80 का स्क्वायर करते हैं प्लस 60 का स्क्वायर करते हैं और इसका रूट लेते हैं, तो ये कितनी वैल्यू आ जाती है 100 आती है, 100 मीटर आ गया। देखिएगा इस क्वेश्चन को हम इस तरह से भी कर सकते हैं, ये तो आपने ये तो इसका स्क्वायर करना ये करना ये सब अलग चीज़ है, लेकिन हम इसका डायरेक्ट आंसर कैसे लेंगे तो वो मैं आपको बता दें। देखिएगा इसको मैं ये लिख सकता हूँ, ये 4 लिख दिया मैंने, ये 3 लिख दिया, अब इसमें 4 में कितने की मल्टीप्लाई करी मैंने 20 की मल्टीप्लाई करी है, और इसमें कितने की मल्टीप्लाई करी 20 की मल्टीप्लाई करी, क्योंकि हमें पता है कि 3, 4 और एक 5 ये ट्रिपलेट बनता है, तो ऑब्वियस सी बात है ये 5 होगा। अब मैंने इस 4 में 20 का मल्टीप्लीकेशन करा है, 3 में 20 का मल्टीप्लीकेशन करा है, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे 5 में भी 20 का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। अगर मैं 5 में 20 का मल्टीप्लीकेशन कर देता तो मेरा आंसर कितना आता है 100। तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं, ये केवल मैंने आपको बताया, समझाने के लिए बताया है कि ऐसा होता है। बेसिक अगर बात करें तो बेसिक इसमें 3, 4, 5 का ट्रिपलेट बन रहा है। अब इस ट्रिपलेट को ही मैंने डायरेक्ट लिखा है, ये 4 की मल्टीप्लाई 20 में करता हूँ, 3 का मल्टीप्लाई 20 में, और फिर ऑब्वियसली बात है कि 5 का मल्टीप्लाई 20 में करना है, तो 20 में मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आंसर मेरा क्या आ जाता है 100 मीटर आ जाता है, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है 100 मीटर, यानी कि अपने पिता से 100 मीटर की डिस्टेंस पर है। आप देख भी रहे हैं कितना इजी क्वेश्चन है ये। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे समझेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। देखिएगा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सी सेट 2014 में आया है, इसमें बोला गया है देयर आर 6 विलेजेस ए बी सी डी ई एंड एफ, F is 1 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ D, B is 1 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ E, A is 2 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ E,
सी इज 1 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ ए, डी इज 1 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ ए। देखिएगा वही मैं डायरेक्शन बना लेता हूँ पहले, ये मैंने डायरेक्शन बता, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हुआ, ये नॉर्थ और ये साउथ। देखिएगा मैं यहाँ पर ये ड्रॉ कर लेता हूँ। इसने बोला है कि एफ इज 1 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ डी। डी सपोज डी अगर यहाँ पर है, हम मान लेते हैं डी यहाँ पर है, तो डी का ये डी मान लेता है, डी का वेस्ट क्या होगा, ये हो गया, और 1 किलोमीटर पर मेरा क्या है एफ है, ये कितना है 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर क्या है एफ है। अब देखिएगा अगली लाइन देखते हैं कि बी इज 1 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ ई। देखिएगा ई अगर यहाँ पर है तो ई का ये ई मैं यहाँ मान लेता हूँ, तो ई का ईस्ट कौन सा, ये हुआ। अब इससे कितना है डिस्टेंस पर है 1 किलोमीटर, बी इससे कितने डिस्टेंस पर है, ये बी है, ये 1 किलोमीटर है और ये बी डिस्टेंस पर है, ई के ईस्ट में 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पर बी है। अब देखिए आगे देखते हैं, ए इज 2 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ ई। देखिएगा अगर ये ई है, ई का नॉर्थ ये होगा, ये 2 किलोमीटर है, ये 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पर क्या है यहाँ पर ए है। अब देखिएगा अब इसने बोला है सी इज 1 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ ए। ए देखिएगा ए ये है तो इसका इसका ईस्ट कहाँ पर होगा, इधर साइड में होगा, ये कितना है 1 किलोमीटर है। अब 1 किलोमीटर पर क्या है यहाँ पर सी है। अब देखिएगा आगे देखते हैं, डी इज 1 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ ए। देखिएगा अगर बात करें डी इज 1 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ ए, ए का साउथ क्या होगा यहाँ से चला, ये कितना होगा यहाँ पर, क्योंकि ये अगर बात करें ए से ई तक ये 2 किलोमीटर है, तो डी ये कितना डिस्टेंस होगी, क्योंकि ए के साउथ में जाना है 1 किलोमीटर, तो यहाँ पर क्या है ये यहाँ पर डी है, ये डी है। अब देख लेते हैं कि ऑप्शन क्या क्या है। इसमें बोला है कि 3 विलेज, ये सब जो ए बी सी डी ई एफ है ये सब विलेज है, इसमें बोला गया है कि 3 विलेज कौन से एक लाइन में है। देखिएगा एफ डी ई बी ये एक लाइन में है, लेकिन ये 4 विलेज हो जाते हैं, 4 विलेज हो जाते हैं। इसने कहा 3 विलेज, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है 3 विलेज होने चाहिए। अब देखिएगा इसने कहा है कि 3 विलेज, इस लाइन में तो हमारे 3 विलेज है नहीं। अब देख लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं ए डी ई, इस लाइन में हमारे 3 विलेज है, और देखिएगा ए ई इस लाइन में हमारे 2 विलेज है, और हमें कंडीशन क्या है 3 विलेज देखने, तो हमारा आंसर ये होगा ए डी ई, ए डी ऑप्शन देख लेते हैं ए डी, तो ऑप्शन क्या हमारा बी है। देखिएगा ए डी ई, ए डी ई ये सब एक लाइन में है, तो ये हमारा आंसर होगा, आंसर हमारा बी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, उसको पढ़ते हैं समझते हैं फिर सॉल्व करेंगे। देखिएगा ये क्वेश्चन है हमारा, ए मिलिट्री कोड राइट्स सिस्टम एज एस एस वाई एस एम ई टी एंड नियरर एज ए ई एन आर ई आर यूजिंग द सेम कोड फ्रैक्शन। देखिएगा सिस्टम को इसने ये लिखा है और नियरर को इसने ये लिखा है, तो फ्रैक्शन को क्या लिखा है, देखिएगा मैं लिख लेता हूँ, ये मैंने लिखा है सिस्टम एस वाई एस टी ई एम। देखिएगा इसने क्या किया है, ये 6 है अगर हम बात करें इसकी और इसकी। देखिएगा इसने क्या किया है, इसको पहले यहाँ पर लिखा है और इसको यहाँ लिखा है और ये एज इट इज यहाँ लिखा है। देखिएगा ये मैच कर गया है यहाँ पे यहाँ तक। अब देखिएगा इसकी बात करते हैं एम ई टी, देखिएगा इसको एम को यहाँ लिखा है, टी को यहाँ लिखा है और ये ई यहाँ लिखा है, ये मैच कर गया, तो ये हो सक ये हमारा यानी कि ये लगा हुआ है यहाँ पर, ये पैटर्न यहाँ पर लगा है। अब इसको भी चेक कर लेते हैं, हालांकि इसकी चेक करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन फिर भी चेक करना चाहिए। देखिएगा एन ई ए आर ई आर, देखिएगा 3-3 है। देखिएगा ये कितना है, ये ए है, यहाँ पर एन होगा और ये ई। अब देखिएगा इसकी बात करते हैं तो ये क्या होगा, यहाँ पर आर होगा, ये इधर आर होगा और ये ई। देखिएगा इस तरह का पैटर्न बना है। अब देखिएगा इसकी बात कर लेते हैं एफ आर ए सी टी आई ओ एन, ये क्या हो गया हमारा फ्रैक्शन। देखिएगा ये कितने हमारे टोटल 8 है, तो हम क्या करते हैं इसको लिखते हैं ऐसे। देखिएगा ये सी होगा, यहाँ पर एफ होगा, ये ए होगा, ये आर होगा यहाँ पर। अब देखिएगा एन होगा यहाँ पर, टी होगा यहाँ पर, ओ होगा यहाँ और आई होगा यहाँ, तो हमारा क्या है सी ए आर, सी ए आर एफ एन ओ आई टी, ये हमारा आंसर है। अब देख लेते ऑप्शन कौन सा है इसका, देखिएगा सी ए आर सी ए आर एफ एन वाई टी, तो हमारा आंसर है डी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, उसको पढ़ेंगे समझेंगे फिर सॉल्व करेंगे। देखिएगा
ये है इन अ सर्टेन कोड प्रोडक्शन इज रिटन एज, ये लिखा है क्यू क्यू पी सी वी ई यू एच पी एम टी, ये लिखा है। तो ओरिएंटेशन को क्या लिखा जाएगा देखिएगा, अगर हम बात करें पी, हम लिख लेते इस तरह से पी आर ओ डी यू सी टी आई ओ एन एस, और इसके बाद क्या है ये क्यू क्यू पी सी वी ई यू एच पी एम टी, देखिएगा ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, देखिएगा ये भी 11 ही होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, देखिएगा इसकी अगर बात करें P हमारा होता है, देखिएगा मैं यहाँ पर एक चीज और बताते हुए चलता हूँ, ये हमें A से लेकर Z तक की एक नंबर करनी होती है 1 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से, तो ये टोटल A से Z तक 26 होता है। इसको याद करना है कि A पर हमें क्या डिनोट करना है, B पर क्या करना है और Z तक हमें क्या करना है। देखिएगा P हमारा होता है, P हमारा 16 होता है और ये हमारा 17 होता है, तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, प्लस 1 का इंक्रीमेंट हुआ है। देखिएगा R हमारा 18 होता है और Q हमारा 17 होता है, तो यहाँ पर क्या किया है माइनस 1 किया गया है। अब देखिएगा O 15 होता है हमारा, ये 15 होता है और ये 16 होता है, तो ये 1 का इंक्रीमेंट किया गया है। D हमारा 4 होता है और ये 3 होता है, तो ये माइनस 1 किया गया है। U हमारा होता है 21 और V होता है हमारा 22, देखिएगा ये U हमारा 21 है ये है, तो प्लस 1 हो गया हमारा, ये प्लस 1 है। C हमारा 3 है और ये हमारा 5 होता है, देखिएगा यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर 2 का इंक्रीमेंट किया गया है, तो आप इसको यहाँ पर बना लेते हैं सर्कल क्योंकि यहाँ पर अलग किया गया है, देखेंगे हम आगे क्या होता है। देखिएगा ये 20 होता है और ये 21 होता है, तो ये क्या किया गया हमारा 1 का इंक्रीमेंट किया गया है। अब देखिएगा आई हमारा 9 होता है और एच 8 होता है, तो ये क्या किया गया है माइनस 1 किया गया है, और ये हमारा होता है ओ 15 होता है और पी 16 होता है, तो यहाँ पर 1 का इंक्रीमेंट किया गया है, ये मैंने 1 का इंक्रीमेंट किया गया है। देखिएगा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देखिए शुरू में क्या किया है, प्लस 1 किया है माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1, उसके बाद ये देखिएगा 1 2 3 4 5 6 पोजीशन पे की अगर बात करें यहाँ पर 2 का इंक्रीमेंट हुआ है, तो इसी तरह से हम जब हमारी 6 पोजीशन होगी ओरिएंटेशन की O R I E N T A, देखिएगा यहाँ पर क्या हुआ मैंने आपको बताया है, देखिएगा यहाँ पर 1 का इंक्रीमेंट हुआ है, यहाँ पर डिक्रीमेंट हुआ है, 1 का इंक्रीमेंट हुआ है, डिक्रीमेंट है, इंक्रीमेंट हुआ, यहाँ पर सीधा 2 का इंक्रीमेंट हुआ, ये 6 पोजीशन है और ये हमारा ओरिएंटेशन है। तो ये देखिएगा 6 पोजीशन की अगर बात करें तो ये 6 T यहाँ पर 6 पोजीशन है, तो इसमें ये T 20 होता है, तो हमें यहाँ पर 2 का सीधा सीधा 2 का इंक्रीमेंट कर रहा है यहाँ पर, ये मैंने जैसे ही 2 का इंक्रीमेंट करता हूँ तो देखिएगा T 20 होता है, ये मेरा 20 होता है। अब देखिएगा ये 20 में 2 ऐड करूंगा 22 हो जाएगा, 22 की अगर बात करें तो ये V होता है, देखिएगा अब आप देखिएगा ऑप्शन चेक कर लेते हैं, अब 6 पोजीशन पर हमारा V होना चाहिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 यहाँ पर V है, 1 2 3 4 5 6 ये U है, तो ये तो नहीं हो सकता। अब देखिएगा मेरे आंसर A और C हो सकते हैं, देखिएगा 1 2 3 4 5 6, 6 पर V है। अब हम चेक कर लेते हैं, देखिएगा यहाँ पर O हमारा होता है 15 15, अगर A का इंक्रीमेंट करते हैं तो P हो जाता है, तो ये हमारा मैंने 1 का इंक्रीमेंट किया तो मेरा P हो गया। अब R मेरा 18 होता है तो 18 माइनस 1 करना पड़ेगा, माइनस 1 करूंगा तो कितना मेरा R की R मेरा 18 होता है, 18 में मैं माइनस 1 करूंगा, 1 का डिक्रीमेंट करूंगा, जैसे ही मैं 1 का डिक्रीमेंट करूंगा तो ये मेरा 17 होगा, 17 मेरा क्या होता है Q होता है। अब देखिएगा मैंने यहाँ पर माइनस 1 किया है, अब देखिएगा मैंने अभी बताया तो A और C आंसर मेरा हो सकता है जब मैंने ये नहीं किया था, जब मैंने केवल ये किया है तब मेरा A और C हो सकता है। अब देखिएगा यहाँ पर आप आगे चेक करते हैं P और Q मेरा सही है, P और S तो ये नहीं हो सकता, मेरा आंसर क्या है A है। अब देखिएगा ये आगे करने की जरूरत भी नहीं होगी और मेरा आंसर ये है, क्योंकि आगे करने से हमारा एक तो टाइम कंज्यूम होगा, जब हम केवल पी क्यू वी लिखने के बाद ही हम आंसर निकाल सकते हैं तो पूरा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें तो अपना टाइम सेव करना है, कैसे टाइम करना है सेव करना है ये हम पे डिपेंड करता है। देखिएगा ये मैं ये सारा भी लिख सकता था, ये पूरा पूरा भी लिख सकता है, उससे टाइम कंज्यूम होगा, लेकिन हमें तो टाइम सेव करना है। अब देखिएगा ये मैंने लिखा है टी यहाँ पर 20, ये 6 था, 6 पर 2 मैंने इंक्रीमेंट कर दिया तो वी हो गया। अब देखा वी इंक्रीमेंट होने से मेरे ये ए और सी हो सकते हैं आंसर, फिर मैंने ये दो चेक कर लिए, दो चेक करने के बाद मेरा ये आता है तो आंसर मेरा ये हो गया, आगे मूव है इसको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, उसको समझेंगे पढ़ेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। देखिएगा ये हमारा एक डाइस का क्वेश्चन है, हाउ मेनी डॉट्स लाई अपोजिट टू द फेस हैविंग 3 डॉट्स व्हेन द गिवन फिगर इज फोल्डेड टू द फॉर्म ए क्यूब। देखिएगा ये है 6 1 3 4 2 और ये 5, इस तरह से बना हुआ है, अगर मैं ये लिख लेता हूँ ऐसे, देखिएगा
ये इस तरह से बना हुआ है। अब देखिएगा, मैं इस तरह से लिख देता हूँ ये सब। अब देखिएगा, अब ये देखिएगा, इसने कहा है कि 3 के बजट में क्या होगा। देखिएगा ये 3 है, जैसे ही मैं इसको ऊपर उठाता हूँ तो ये इसके साइड में हो जाएगा, ये इसके साइड में होगा। जैसे ये इसके साइड में हो तो ये इसकी सीलिंग बन जाएगी। जैसे ही मैं इसको लिखता हूँ, देखिएगा 3 है, ये 3 है और ये 4 है। जब मैं इसको फोल्ड करता हूँ तो ये इसके साइड में आएगा। 3 की साइड में कितना होगा, 4 होगा, और ये 1 की साइड में क्या होगा हमारा, 3 होगा। अब देखिएगा, जैसे ही मैं ये 3 करता हूँ तो ये अब ये इसकी साइड में होगा। जैसे ही इसको फोल्ड करता हूँ तो ये इसके ऊपर आ जाएगा, यानी कि इसका सीलिंग बन जाएगा, रूफ बनेगा, ये इसकी सीलिंग बन जाएगी। 6-3 का सीलिंग बनेगी। अगर 6-3 का सीलिंग बनता है तो ये एक दूसरे के अपोजिट बन जाएंगे। देखिएगा, मैं इस तरह से लिख देता हूँ ये, अब इस तरह से लिख देता हूँ ये। देखिएगा ये है इस तरह से। अब इसने बोला है, ये देखिएगा, ये 3 है यहाँ पर, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यही इसमें पूछा गया है। अगर 3 की बात करें, देखिएगा ये आपको केवल थिंकिंग करनी होती है ऐसे क्वेश्चन में, यानी कि हमारा 3 अगर डॉट की 3 डॉट की बात करें तो 3 के बजट में मेरा 6 हो जाएगा, 3 के बजट में 6 होगा तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यही आंसर होगा। ये केवल आपको थिंकिंग करनी होती है, सोचना होता है, इसके लिए आंसर मेरा हो जाता है 6 हो जाता है। आप देख भी रहे हो कितना इजी क्वेश्चन है ये, बस इसमें थिंक करना होता है आपको कि मैंने इसको ये जो स्टैंड किया है, ये इसकी सीलिंग बन जाएगी, ये इसका ये साइड हो जाएगा, ये भी साइड हो जाएगा, ये इधर साइड में आएगा, तो ये मेरा 3 का अपोजिट क्या होगा, 6 होगा, 6 मेरा अपोजिट है तो 3 का अपोजिट पूछा, इसमें अपोजिट पूछा गया 3 डॉट का अपोजिट क्या होगा, 6 होगा, तो 6 आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में इसी सेट के नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करेंगे। धन्यवाद।